बोली खजारात श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रकटी श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन का आधार आहार। क्या कहा मैंने? जीवन का आधार आहार। आहार नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा ही है ना। दो तरह के जीव होते हैं, एक मुक्त जीव एक संसारी जीव। कितने तरह के? एक मुक्त जीव जिनके कर्म नष्ट हो गए हैं तो शरीर उनके पास है ही नहीं है, तो उनकी शुद्ध आत्मा है, अकेली आत्मा खाती नहीं है, सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं, ना भोजन की ज़रूरत, ना मकान की ज़रूरत, ना कपड़ों की, जब शरीर नहीं है तो कपड़ों की ज़रूरत नहीं, आँखें नहीं है तो तुम्हारी टीवी की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शरीर नहीं है, निज ध्यान में ही लीन है, आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान आराम से चल रहा है, कोई आकुलता नहीं है, ठीक है। तो मुक्त जीव, मुक्त जीव को आहार की आवश्यकता नहीं है। मुक्त जीव में परमात्मा दो तरह के होते हैं, एक निकल परमात्मा एक सकल परमात्मा। तो जो सकल परमात्मा है अरिहंत भगवान, उनके अभी चार कर्म छूट गए हैं, मगर चार कर्म अभी बाकी हैं। उसमें से जब मोहिनी चला गया, मोहिनी जानते हो, मोहिनी कर्म को जानते हो? अरे बोलो ना, थोड़ा जानते हो, ज़्यादा जानते हो, थोड़ा सा जानते हो? मतलब आपको मोह घर में किसी से नहीं है, इनके परिवार वाले कौन हैं जरा हाथ उठाना, इनको मोह नहीं, इनको यहीं छोड़ जाना आज, थोड़े से मोह तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहीं रह जाएंगे, ठीक है, आप यहीं रह जाना, आपको थोड़ा सा मोह है ना, ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे वो छुड़वा रही है या तुम छोड़ रहे हो। देखो मोह दो तरह से छूटता है, अपने बेटे से बहुत मोह है, बहुत मोह है, बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवाब देना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, डांटना शुरू किया, पहले बहुत मोह था और अब बताओ। नहीं आपकी बात नहीं है, ये तो किसी और की बात है, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, साथ में बैठा हुआ है, आपको लेके आया है ना, बहुत अच्छा आपका बेटा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं, हम मोह कम करते नहीं, सामने वाला ऐसा काम करता है कि करना पड़ता है, वो जाने उसका काम जाने, मैं नहीं बोलूँगी, ऐसे ही करते हो ना, अरे अभी बोलूँगी फिर वो जवाब देगा, फिर वो दुनिया भर की सुनाएगा, मुझे नहीं बोलना उससे, ऐसे ही करते हो ना। बाकी तुम अपनी तरफ से कम करना चाहो तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ जागृत नहीं है, क्योंकि धर्म अभी अंदर प्रवेश नहीं किया है। जब धर्म प्रवेश करेगा अंदर तो वो नहीं छोड़ेगा, वो तो पीछे पीछे आएगा, और तुम कहोगे नहीं भैया क्षमा करो, बहुत जिंदगी में मोह कर लिया, कुछ नहीं मिला है, अब मुझे धर्म करने दो। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? अब मोह छोड़ना अच्छा है कि छुड़वाना अच्छा है, बोलो। छुड़वाने में तो अपमान, छुड़वाने में तो निंदा बुराई, छुड़वाने में तो दुनिया भर की घटनाएं घटती हैं तब छोड़ोगे, और तुमने खुद ही छोड़ दिया, तो श्रेष्ठ कौन सा है? अपने आप से छोड़ना। तो छोड़ सकते हो थोड़ा थोड़ा,
नहीं मेरे लिए थोड़ी कह रही हूँ, अब मैं अपने लिए नहीं कह रही, तुम मोह छोड़ोगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। मोह के छोड़ने से सुख मिलता है, क्या मिलता है, सच्चा सुख मिलता है मोह के छोड़ने से। और जो मोह का सुख है वो क्षणिक है। कल आपने भोजन किया था, स्वाद आया था, बोलो ना, आया था, वो स्वाद अभी है क्या, वो स्वाद अभी है क्या, नहीं है ना। तो ये है संसार का सुख, जो कल था वो आज नहीं है, जो अभी है जो अगले क्षण नहीं है, लेकिन धर्म का सुख आज भी है, और उससे जो पुण्य इकट्ठा होगा वो कल भी रहेगा और अगले जन्म तक साथ जाएगा। और जो मोह का सुख आज लिया है हमने, वो पापबंध का कारण आज थोड़ी देर को मिला है, कल नहीं मिलेगा और आने वाले समय में दुख ही देगा। तो कौन सा श्रेष्ठ है, मोह छोड़ना श्रेष्ठ है या मोह के साथ में सबको जकड़ जकड़ के रहना श्रेष्ठ है। अब अम्मा जी से घर वाले कहते तुम चिंता मत किया करो, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, हम कर लेंगे अपना काम, हमारा काम है, और अम्मा जी मानती नहीं। ऐसा है कि नहीं, बच्चे बड़े हो गए अब वो डांटते हैं, लेकिन अम्मा फिर भी कितनी डांट खा ले, कितनी डांट खा ले, फिर भी टेंशन करे बिना मानती नहीं है। ये मोह ऐसा है, नरक भेजे बिना रहेगा नहीं है। अरे जितनी टेंशन तुम अपने घर के बच्चों की कर रही हो, और जब वो मना कर रहे हैं तो मत करो, और जब वो कह रहे हैं कि तुम रहने दो, चिंता मत करो, तो मत करो, तुम अपनी माला लो, भगवान को याद करो, तुम भगवान को याद करोगे तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, तुम भगवान को याद करोगी तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। अब बुढ़ापा मिला है, अगला जन्म सुधारने के लिए उसको मोह में बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़ते कि नहीं बिगाड़ते, जितनी अभी बुढ़ापे वाली महिलाएं नहीं है वो अपनी सास को याद कर रही होंगी, हाँ मेरी सासू ऐसे ही करती है, मेरी सासू ऐसे ही करती है। लेकिन ध्यान रखना, तुम ऐसा मत करना, ये सोचो अपनी सासू की ना सोचो, अपनी सोचो कि मैं बूढ़ी होऊंगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं तो अभी घर जाके सास को सुनाना शुरू कर दो, देखो माता जी कह रही थी ज़्यादा टेंशन मत किया करो, हम अपना काम अपने आप कर लेंगे, तुम ज़्यादा मुझे सलाह मत दिया करो। अपनी सास को सुनाने मत बैठ जाना, खुद को सोचना कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवान का नाम लूंगी, तब मैं अपना धर्म करूंगी, मैं किसी की चिंता नहीं करूंगी, ऐसा सोचना, ठीक है। अभी तुम ऊपर देख रही थी ना, हाँ मम्मी मेरी बहुत चिंता करती, मैं मना करती है मानती नहीं है। बंधु हो तो जो अरिहंत भगवान है उनका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार कर्म उनके नष्ट हो गए हैं। ज्ञानावरण नष्ट होने से केवल ज्ञान हो गया, दर्शनावरण नष्ट होने से केवल दर्शन हो गया, मोहिनी के क्षय से अनंत सुख हो गया। मोहिनी के क्षय से क्या उत्पन्न होता है, सुख, यानी जितने स्थान का मोह है उतना दुख। मान लो विधायक है तो उसको कहाँ तक की टेंशन होगी, जहाँ तक का वो विधायक है उसको अगले शहर की टेंशन नहीं होगी। आप विधायक नहीं हैं, आप अपने घर में रहती हैं तो आपकी टेंशन आपके घर तक सीधे। आप एक दुकान चलाते हैं तो आपकी टेंशन एक दुकान तक है। यदि आपकी चार फैक्ट्री हैं तो आपकी टेंशन चार फैक्ट्री है। यदि आपके दो बच्चे हैं तो आपकी टेंशन दो बच्चे की। यदि आपके दस बच्चे हैं, अभी होंगे नहीं लेकिन जो हमारी पुरानी अम्मा है उनकी तो है ना, और होने में कोई बुराई नहीं है, उसकी कोई बुराई नहीं है, आज श्रावक हैं, जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मान लो उनके दस बच्चे हैं तो उनकी टेंशन दस बच्चे, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री है तो उसकी टेंशन पूरा भारत, पूरा भारत। यदि कोई मुख्यमंत्री है तो उसकी टेंशन उसकी स्टेट, स्टेट है ना। जहाँ जहाँ तक हमारा मोह का फैलाव है वहाँ वहाँ तक टेंशन है, और जहाँ जहाँ मोह की कमी है, जहाँ जहाँ हमारा मोह नहीं है वहाँ टेंशन नहीं है।
अब आपको अमेरिका की टेंशन होती है कि वहाँ क्या हो रहा होगा, आपको चीन जापान की टेंशन होती है क्या? नहीं, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपकी मोह की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो यहीं तक फैली हुई हैं। तो आपको अमेरिका के विषय में चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, अब महसूस नहीं कर रहे वो बात अलग, लेकिन सुख है कि नहीं है? सुख है ना। अच्छा, जो भारत का प्रधानमंत्री है उसको पूरे देश की टेंशन है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब टेंशन भी नहीं रहेगी। यानी पद हमें टेंशन देता है। आप एक घर में रह रहे हैं, एक घर में 10 जनों के साथ रह रहे हैं, एक को ज़्यादा चाहते हैं, 9 को कम चाहते हैं, तो टेंशन किसकी ज़्यादा? एक की ज़्यादा। तो दुख कहाँ से आता है? मोह से। टेंशन कहाँ से आती है? मोह से। और दुख और मोह खत्म कर, दुख खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपको तो पता है कि मोह कम करने से सुख आता है। किसने बताया आपको? अच्छा, मैंने ही बताया क्या? अरे मुझे भी भगवान जी ने बताया है, मुझे भी गुरुओं ने बताया है, मुझे भी प्रैक्टिकल ने बताया है। किसने? प्रैक्टिकल ने। जीवन में प्रैक्टिकल हुआ है कि जितने जितनी चीज़ों के मोह छोड़ते, यार छोड़ो, कौन दिमाग लगाए, छोड़ दिया। एक जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर बिहार करते हैं तो दूसरा शहर ख़त्म, अगला शहर शुरू, फिर वो नए लोग मिल गए। यहाँ भी रोज़ नए आते हैं, यहाँ भी मेरा बिहार ही चल रहा है, मेरा बिहार नहीं चल रहा है, बिहार आपका चल रहा है। यदि मैं एक शहर से दूसरे शहर में जाऊंगी तो मुझे नए लोग मिलेंगे, तो दूसरे शहर से तीसरे शहर में जाऊंगी तो मुझे नए लोग मिलेंगे, मुझे यही रोज नए मिल जाते हैं, मुझे यही रोज नए मिल जाते हैं। मुझे कहीं अभी फिलहाल जब तक सेवा चल रही है तब तक कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे यही नए मिल जाते हैं। नए से तो मिलना है ना, मैं जाऊं या आप आए। तो मोह दुख की जड़ कौन है? मोह है। ये तो समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको यदि बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, मोह नहीं कम करना पड़ेगा। वो कैसे कम होगा? ये मन तो खतरनाक है, इसको जहाँ लगा दो वहीं लग जाता है, तो इसको लगाना पड़ेगा। जो मन हमारा मोह में काम कर रहा है उस मन को स्वाध्याय में लगाना पड़ेगा, उस मन को धर्म में लगाना पड़ेगा, तो मोह से अपने आप हट जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मोह करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। बेटा गर्भ में आया, मोह शुरू, अभी जन्म नहीं लिया बेटे ने, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, पता तो चलता नहीं है, तो अभी जन्म नहीं लिया, लेकिन आने के पहले हे भगवान एक हो जाए, हे भगवान बस एक और हो जाए, उसके पहले से मोह शुरू हो जाता है। जीव आया नहीं है लेकिन मोह पहले से शुरू हो गया। तो मोह बड़ा खतरनाक है। ये हम अनादि काल से एक ही काम कर रहे हैं अभी तक, हमने अनादि काल से केवल एक ही काम किया है अभी तक। वो कौन सा काम है बोलो ना? मोह किया है। और भगवान ने क्या छोड़ा है? तो मंदिर में आके भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे भगवान मेरा मोह कम हो और मैं आपकी भक्ति कर सकूं, क्योंकि ये मोह भक्ति भी नहीं करने देता है। तो दो तरह की आत्मा होती हैं परमात्मा में, दो तरह के परमात्मा, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अरिहंत भगवान है और निकल परमात्मा सिद्ध भगवान है, ठीक है? अच्छा, तो जब मोहिनी कर्म क्षय हो गया तो शरीर से भी मोह खत्म, और अनंत शक्ति, जब अंतराय कर्म गया तो अनंत शक्ति मिल गई। बात समझ में आई? मोहिनी गया तो शरीर में से मोह खत्म हो गया, और अंतराय कर्म नष्ट हुआ तो अनंत वीर्य, अनंत शक्ति प्रकट हो गई। अब जिसके पास, हम भोजन क्यों करते हैं? शक्ति के लिए, कि ताकि हमारा जीवन आधार बना रहे। अब जहाँ अंतराय कर्म ही नष्ट हो गया, जहाँ पर जब अंतराय नहीं रहेगा तो शक्ति पूरी पैदा होगी। अब जब शक्ति पहले से उनके पास है तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं,
और साता वेदनीय पूर्ण रूप से उभर के सामने आ गया और असाता वेदनीय कर्म बिल्कुल जैसे उजाला होने पे चोर भाग जाते हैं ना, ऐसे वो भी भाग गया। जैसे केवल ज्ञान का उजाला हुआ तो असाता वेदनी भी ठंडा होके बैठ गया, अब मेरा काम यहाँ चलने वाला नहीं है। तो भूख लगने में कितने कर्म सहायक हैं, एक तो लाभांतराय रहेगा तो भोजन मिलेगा, असाता वेदनी के उदय में भूख लगती है और मोहिनी कर्म के उदय में ये खाना वो खाना वो खाना ये खाना ये चलता है। तो जब तीनों कर्म, एक कर्म ठंडा हो गया और दो कर्म नष्ट हो गए तो भूख की जरूरत ही नहीं है। अब तो आत्मा के ध्यान से आत्मा का भोजन चल रहा है, ज्ञान ही भोजन ज्ञान ही पानी। मैंने मुनि सुब्रतनाथ विधान में लिखा है भगवान के लिए, क्या लिखा आप सुनिए। आहार ना लेते कभी, आहार ना लेते कभी, आहार की भी हार है। आहार शब्द में क्या है, हार, आ हार, आ हार, आ हार, जिसने खा लिया वो हार गया। तो भगवान के लिए लिखा है, आहार ना लेते कभी, आहार की भी हार है। यह रोग मुझको नित सताता, इससे मेरी हार है। आपने किया नहीं किया मुनि सुब्रतनाथ विधान, आप लेके जाना। और शनिवार को जब भी आपको मौका मिले या जब भी आपका मन करे, मुश्किल से आधा पौन घंटे में हो जाएगा। 108 अर्घ है, लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। अपनी थाली लगाना और एक अर्घ चढ़ा करके और अपना शुरू कर देना विधान, आपको बड़ा आनंद आएगा। बड़े आराम आराम से पढ़ना, ऐसा लगेगा भगवान जी से बातचीत कर रहे हैं। तो फिर से सुने, आहार ना लेते कभी, आहार की भी हार है। यह रोग मुझको नित सताता, दिन भर खाना पड़ता है। यह रोग मुझको नित सताता, इससे मेरी संयम की सरिता में नहाऊं, भूख पर भी जय मिले। इसलिए भगवान, संयम की सरिता में नहाने के लिए जब तक आपके चरणों में बैठा हूँ, जब तक आपकी पूजा कर रहा हूँ, जब तक मैं आपकी वाणी सुन रहा हूँ, जब तक मैं स्वाध्याय सुन रहा हूँ, जब तक मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, तब तक के लिए तो कम से कम ये भूख कम हो ही जाए। जब आप विधान में बैठते हैं तो आपका मन भोजन की तरफ जाता है, नहीं जाता पूजा करते हुए, नहीं जाता माला फेरते हुए, नहीं जाता। तो हम यही क्षण है जिस क्षण हम भोजन से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, वरना तो हमारे चक्कर, हमारे नहीं आपके, वरना तो आपके चक्कर किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा, फिर गए, फिर फक्की मार के आ गए, फिर खा लिया, फिर मुँह में डाल लिया, फिर खा लिया। और भाई लोग होते हैं, फिर होटल में जाके चाय पी ली, फिर थोड़ा नाश्ता कर लिया, फिर थोड़ी कचौड़ी खा ली, फिर थोड़ा ये खा लिया, दिन भर मुँह चलता रहता है, हारे हुए बैठे। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो संयम से इस पर विजय मिलेगी। तो भगवान ने भूख पर विजय कैसे प्राप्त करी, व्रत करके उपवास करके। कैसे प्राप्त करी, व्रत करके उपवास करके। तो आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, बोलो ना। आप भाई साहब मुस्कुरा रहे हो, लेकिन आपको ठंड ज्यादा लग रही है ऐसा लग रहा है। अरे इस पर भी विजय प्राप्त करनी है, इस पर भी विजय प्राप्त करनी। मान लो ठंड लग रही है, किसको लग रही है, शरीर को कि आत्मा को? तो मंदिर में बैठ के क्या सोचना चाहिए, बोलो ना। शरीर ठंड किसको लग रही है मंदिर में, और घर में किसको लगती है? मंदिर में भगवान जी बैठे ना, हमारे भगवान जी कपड़े पहने क्या, तुम थोड़े बहुत तो पहने ही हो ना। महिलाएं तो पूरे पहनी है, पूरे कान हाथ सब ऊपर से नीचे तक, जितने इनके गर्मी में पहने जाते हैं, सर्दी में पहने जाते हैं उतने गर्मी में। बंधुओं,
मोहनी कर्म है, बड़ा विकट है, बड़ा विकट। शरीर से मोह, देखने से मोह, सुनने से मोह, परिवार से मोह, मकान से मोह, दुकान से मोह, मोहल्ले से मोह, पड़ोसियों से मोह, रिश्तेदारों से मोह, मित्रों से मोह, अपने गद्दा तकिया से मोह, अपने कपड़ों से मोह, हाँ अपने ज्वेलरी से मोह है, अपने पता नहीं कितना मोह हम इकट्ठा करके रखे हैं। लोग मेरे से आके पूछते माता जी क्या करें, धर्म में मन नहीं लगता है, अब इतना तो कचरा इकट्ठा कर रखा, माँ कहाँ से मन लगेगा। लोग कहते माता जी माला में मन नहीं लगता, इतना तो कचरा दिमाग में इकट्ठा कर रखा है। सुबह से उठ के वो शरीर की सफाई कर लेते हो, घर की सफाई कर देते हो, तो घर में अच्छा लगता है, लगता है ना। सफाई ना हो घर में तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इस दिमाग को साफ किया, इसलिए तो ये मन खराब खराब रहता है। जैसे सब चीज़ की सफाई जरूरी, पेट भी है। आप भोजन करते हो तो सुबह सुबह पेट की भी सफाई होती नहीं होती है? और यदि पेट साफ ना हो तो दिन खराब हो जाता है। ऐसे दिमाग साफ ना करो तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए भक्ति से, ध्यान से, स्वाध्याय से, जाप से, इन सब चीजों से अपना मन भी साफ करना चाहिए। जैसे सब चीज सफाई के बिना बेकार है, आपको अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे हमारा मन भी बिना सफाई के आपको परेशान कर देगा। अब सफाई आप किस चीज से करते हो? छह चीजें बताई हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। छह चीजें बताई आज आपने यहाँ के, छहों चीज कर ली। बताऊं कैसे? देव पूजा, गुरु उपासना, प्रवचन सुन रहे हैं तो स्वाध्याय, इतनी देर ठंड में बैठे हैं तो संयम, क्या किया? संयम। अब ठंड में बैठ के मन शांत है, प्रसन्न है, देखो ठंड लग रही है, संयम हो गया, लेकिन उसके बाद भी मन प्रसन्न है और शांत है, ये तपस्या हो गई। किसका नाम है? इसका नाम है तपस्या, कि हमें गुस्सा नहीं आ रहा, ठंड लग रही, लगने दो, इतने समय तो हम बैठेंगे बैठेंगे, ये तपस्या हो गई। और दान आपने किया ही है, तो आज आपने यहाँ आके षट आवश्यक का पालन किया। और जो प्रतिदिन षट आवश्यक का पालन करता है, समझ लो वो सुबह सुबह अपने मन की सफाई करता है। आज आपका मन यहाँ साफ हुआ कि नहीं हुआ? तीर्थ क्यों मनाए जाते हैं? तीर्थ इसीलिए मनाए जाते हैं कि जहाँ जाके मन की शुद्धि करी जाए, जहाँ जाके मन को साफ किया जाए। अब इतने समय आपको ना तो गृहस्थी याद आई, इतने समय आपको ना तो घर वाले याद आए, ना आपको कोई याद नहीं आया, बस या तो भगवान है, या पूजा है, या प्रवचन है, या ध्यान है, बस ये ही याद आ रहा है। तो मन की सफाई की ये झाड़ू है, जो शर्त आवश्यक है, मन की सफाई इसी से की जाती है। तो आप करते हो कि नहीं करते रोज? अरे बोलो ना, रोज करते हो? रोज अभिषेक करते हो? रोज? बहुत अच्छे लोग आए आज तो, बहुत बढ़िया, पक्के श्रावक आए हैं। छहों काम रोज करते हो? पूरे नहीं हो पाते, तो ऐसा करो महीने में एक आध बार यहाँ आ जाया करो, तो कम से कम एक दिन तो पूरे हो जाएंगे, है ना। तो जीव दो तरह के, मुक्त जीव और संसारी जीव। मुक्त जीव में दो तरह के, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। निकल परमात्मा को भूख, उनको तो सिद्ध बन गए, उनको तो शरीर ही नहीं है, उनको तो कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं है, लेकिन सकल परमात्मा को भी भूख नहीं लगती है। आप चाहते हो कि आपको भूख ना लगे, लेकिन आपको भूख नहीं लगेगी तो आपको कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि आप अभी अंतराय कर्म में बैठा है। जब तक ये अंतराय कर्म रहे और भूख ना लगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, है ना। और अंतराय कर्म का नाश हो जाए और फिर भूख ना लगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अष्टमी चतुर्दशी के व्रत करें, नमोकार मंत्र के व्रत करें, भक्तांबर के व्रत करें, तत्वार्थ सूत्र के व्रत करें, है ना। और जो आप रत्नावली करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, और कौन कौन से छोटे छोटे व्रत होते हैं सारे, उन व्रतों को करें। तो इससे हम थोड़ी हम
छह दिन कम से कम खा रहे हैं, मगर एक दिन तो संयम आया, और वो संयम ही आपको भगवान बना देगा, वो संयम ही आपको सच्चे सुख की प्राप्ति करवा देगा। आप एक दिन करके तो देखो, बड़ा आनंद आता है। खाने में जितना आनंद नहीं आता, उतना त्याग में आता है, ये आपको करके पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते? करना पड़ेगा। शरीर से कहो करना पड़ेगा, तेरे को आज भूखा रहना पड़ेगा, आज तो रखेंगे हम, इतना खिलाया आज तो नहीं देना है तेरे को, फिर देखो कैसे नहीं करता है। जैसे ढीठ बच्चा होता है ना, काम नहीं करता है, और थोड़ा सा फिर अनुशासन लगा दो, थोड़ा कड़े हो जाओ, तो फिर वो भी काम करता है। ऐसे ये शरीर है, इससे भी काम करवाना है। करवाओगे? बोलो, अरे जोर से बोलो ना, मेरी बात आपके कान तक पहुंच रही है, तो नहीं करवाओगे? करवाओगे? अच्छा एक काम करो, ठीक है, रात्रि भोजन कितने लोग करते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा कितने नहीं करते वो हाथ उठाएं। अरे आज तो बड़े धर्मात्मा लोग आए हैं, ओहो हो, बस बच्चे हैं मेरे ख्याल से, तो थोड़े से बड़े बच्चे हैं बाकी सब। अच्छा जो बच्चे हैं, जो लोग हैं जिन करते हैं, वो अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि भोजन त्याग कर सकते हैं क्या? सप्ताह में एक दिन एक पशु खाते हैं रात में, एक दिन तो इंसान बन जाओ। पशु भी नहीं खाते, चलो बोलो, सप्ताह में एक दिन, उठाइए हाथ, उठाइए, बच्चे भी उठाएंगे, बहुत अच्छी बात है। सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में आपका मन करे उस दिन कर लेना। अच्छा हॉस्टल वाले हो क्या? चलो घर में रहो तो कर लेना, खा देते ही नहीं हो, बहुत अच्छा परिवार है। पीछे वाले बच्चे घर में नहीं, ओहो आज तो मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे लोग आए हैं। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? चिरमिरी, अच्छा, रंगों में त्यागने में हरी का, भोजन में बरी का, और आने वालों में चिरमिरी का। बालाघाट नदी के घाट का, बनिया में बाट का, और आने वालों में बालाघाट का। भोपाल, अच्छा, खिड़की पर जाल का, जबलपुर में हनुमान ताल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। अड़ू, अच्छा, अडूर, अच्छा अडूर का है, अच्छा। होने में निडर का, किसान में हर का, और आने वालों में अड़ूर का। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, भोजन में गाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। अंधों में काने का, इनाम में पाने का, और आपके जल्दी दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? सूरत से है ना? हाँ कल शाम ही आ गए थे आप। हाँ बहुत बढ़िया। बोलिए 24 भगवान की।